मारवाड़ी मिलिट्री आप देख रहे हैं। आज है 26 मार्च 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की प्रतिपदा है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और इस बार रामनगरी की होली बेहद खास रही। राम मंदिर वाली होली को लेकर अयोध्या में जबरदस्त उल्लास नजर आया। भगवान श्री राम लल्ला ने भी 495 साल बाद भव्य महल में होली खेली। आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम में अभी 8.20% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इससे आप अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देने के साथ टैक्स भी बचा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जन्म से 10 साल की उम्र तक बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। जुड़वा या 3 बालिका बच्चों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। अगर आपके घर में बेटी है तो यह योजना काफी अच्छी है, क्योंकि जब तक बेटियां शादी के लायक होगी तो आपको भविष्य में पैसों की चिंता नहीं रहेगी और टैक्स भी आप बचा सकते हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, राज्य संबंध से सुदर्शन सिंह रावत, भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया है। कांग्रेस अब तक 5 बार में 24 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला कर चुकी है। वहीं बांसवाड़ा सीट पर अभी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। वैसे आपको बता दूं, इस सीट को कांग्रेस ने बीएपी के लिए गठबंधन में छोड़ा है। वहीं नागौर सीट पर आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हनुमान बेनीवाल 27 मार्च को कल नागौर में सभा करके नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन सभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यहाँ पहले चरण में मतदान होना है। कांग्रेस ने आरएलपी के लिए यह सीट खाली छोड़ी है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नागौर दौरे पर रहेंगे। दरअसल यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा की नामांकन रैली में शिरकत करेंगे। पशु प्रदर्शनी स्थल पर एक बड़ी सभा का आयोजन भी रखा गया है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। होली के त्योहार के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बड़ी खबर यह है, आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर दौरे पर रहेंगे। गठबंधन से अमरा राम की नामांकन रैली में अशोक गहलोत शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस और माकपा के कई बड़े नेता आज मौजूद रहेंगे। कृषि उपज मंडी सीकर में 11 बजे कांग्रेस एक बड़ी रैली भी करेगी। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर। रविंदर सिंह भाटी आज निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले रविंदर सिंह भाटी ने सर्व समाज की बड़ी बैठक भी बुलाई और आज भी सर्व समाज की बैठक होगी। इसके बाद रविंदर सिंह भाटी आज निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले भले ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट कम कर दिया है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि राजस्थान से सटे पड़ोसी राज्यों में अभी भी राजस्थान के मुकाबले पेट्रोल 8 से 10 रुपए और डीजल 4 से 6 रुपए तक सस्ता बिक रहा है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि सरकार ने वेट में 2% की कटौती कर हमारी लंबित मांग को तो पूरा कर दिया है, लेकिन मात्र 2% वेट की कमी से आम जनता को राहत नहीं मिली है। राजस्थान से सटे पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल काफी सस्ता बिक रहा है। इसकी वजह से सीमावर्ती क्षेत्र के लोग पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। इससे न सिर्फ राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। ऐसे में सरकार को इसका रिव्यू कर आम जनता को और राहत देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। राजस्थान में लगभग 2 लाख युवा बेरोजगारी भत्ते के लिए भटक रहे हैं। पहले तो पिछली सरकार ने उनको 3 माह का भत्ता नहीं दिया, अब नई सरकार बने हुए भी काफी महीने हो गए हैं। नई सरकार ने भी अभी कई लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। युवा रोजगार कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं।
लेकिन कोई भी उन्हें यह नहीं बता रहा है कि भत्ता कब मिलेगा। सभी जिलों में एक ही जवाब मिल रहा है, मुख्यालय से मंजूर होते ही भत्ता सीधे आपके खातों में आ जाएगा। अंतिम बार भत्ता अगस्त महीने में आया था। और बेरोजगारों को भत्ता कब मिलेगा फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसानों के लिए पहले मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल यानी कि 26 और 27 फरवरी को राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। खैर, यह सिस्टम तो काफी कमजोर रहेगा, ऐसे में किसानों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट तो यह है, इस सिस्टम के बाद एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ दिनांक 1 या 2 मार्च के आसपास सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से मार्च के पहले सप्ताह में राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन पर कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज और कल हल्का सिस्टम है तो इससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 या 2 मार्च को जो नया सिस्टम सक्रिय होगा यह मजबूत सिस्टम होगा। इसीलिए किसानों को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि अपने खेती का कार्य निपटाने में थोड़ी सी तेजी लाए ताकि नुकसान कम से कम हो सके। बाकी यह सिस्टम कितना मजबूत होता है, कहाँ कहाँ अपना असर दिखाएगा, इसको लेकर मैं आपको अलग से भी जल्द वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, क्योंकि गर्मी के मौसम में खेतों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। इससे किसानों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। वहीं आग लगने से जमीन की उर्वरकता को भी बहुत अधिक नुकसान होता है। बड़ी खबर देखिए, निवाड़ी में करीब 70 बीघा की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई और युवक भी झुलस गया। ऐसे में किसानों को विशेष सलाह ये दी जा रही है कि खेत खलियान के ऊपर से हाई वोल्टेज विद्युत तार गुजर रही हो तो उसके नीचे या आसपास भूलकर भी कटी हुई फसल नहीं रखे, और कटी हुई फसल के आसपास सूखी खरपतवार भी नहीं होनी चाहिए, वरना आग सकती है। वहीं शॉर्ट सर्किट से भी आग लग जाने का खतरा बढ़ जाता है। और इस समय आप खेतों में धूम्रपान करते हैं तो भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक चिंगारी आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसानों को इस समय सावधान रहना चाहिए, थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। आपको बता दूं, पिछले 4-5 दिनों के अंदर ही खेतों में आग लगने की 4-5 घटनाएं सामने आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना, गेहूं परिवहन या अन्य सामग्री खरीद के टेंडरों में गड़बड़ झाले की योजनाएं बन गई है। देखिए, पहली बात तो यह है, एक तो पोर्टल नहीं खुल रहा है, ऐसे में कई पात्र लोगों को इस योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। और अब खबर आ रही है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से वेइंग मशीन विद आयरिस स्कैनर की खरीद के 66 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ घोटाले की बू आने लगी है। दरअसल आयरिस स्कैनर बाजार में 8 से 10 हजार में उपलब्ध है। उस मशीन को निगम के अधिकारियों ने 22 हजार रुपए तक में खरीदा है और राशन डीलर्स को थमा रहे हैं। दोगुनी कीमत की मशीनें थमाने पर राशन डीलर्स ने विरोध किया और मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। आगे बढ़ते हैं, खेल प्रेमियों के लिए भी बड़ी खबर है, बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 के दूसरे फेज का शेड्यूल भी सोमवार 25 मार्च को जारी कर दिया है। दरअसल इससे पहले लोकसभा की तारीखों की वजह से रोका गया था। बोर्ड ने बताया कि लीग के मौजूदा सीजन के सेकंड फेज की शुरुआत 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच नाइट मैच से होगी। और सबसे बड़ी खबर तो यह है, इस सीजन का फाइनल मैच 26 मई को चेन्नई में खेला जाएगा। तो यही थी देश और प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आने वाली होली का त्योहार भी आपके लिए काफी अच्छा रहे। बाकी जल्द ही मिलेंगे प्रदेश और देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।